महाराव शेखा जी जैसा बलशाली वीरशाली वीर योद्धा रणबांकुरा, क्या मैं उसके सामने टिक पाऊंगा? क्या ये सही होगा कि मैं उनसे युद्ध करूं? तो क्या मैं अगर अपने हथियार डाल दूंगा तो मुझे क्षत्रिय वंश क्या कहेगा? तो बहुत ही उहापोह की स्थिति पैदा हो गई उनके दिमाग में। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि साहिवाड़ महत्वपूर्ण क्षेत्र था, इरादा नहीं था उसे जीतने का या उस पर आक्रमण करने का। नापाजी ठाकुर नापाजी उनको नहीं उकसाते तो शायद वो साहिवाड़ पे अटैक भी नहीं करते, क्योंकि चौहानों से जो निर्माण थे ये बैराट क्षेत्र आता है, और जो निर्माण थे वो उनके नाना थे लूणकर्ण जी। तो चौहानों से इनके जो रिश्ते थे बड़े ही अच्छे रिश्ते थे, तो उन पे अटैक नहीं करना चाह रहे थे। बट साखड़ों ने जो है उपद्रव मचा दिया, और नापाजी ने इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया कि उनसे फिर युद्ध करना ही पड़ा। साहिवाड़ अभियान से महाराव शेखा जी को काफी धन दौलत और एक उपजाऊ क्षेत्र की प्राप्ति हुई। इसे उनके राज्य संचालन का एक बहुत बड़ा जिम्मे था वो उन्होंने अपने काका को सौंप दिया, और अभी स्वयं वो टांक क्षेत्र की तरफ बढ़े। टांक क्षेत्र पर नागवंशी राजपूतों का अधिकार था। सर्वप्रथम उन्होंने बैराट के ऊपर अपना कब्जा किया। ये बैराट का क्षेत्र अलग से मैड क्षेत्र कहलाता था, उस युग में बहुत उपजाऊ था। साहिवाड़ विजय के पश्चात महाराव शेखा जी ने जगह जगह अपनी चौकियां स्थापित कर दी। उनकी एक वैसी ही चौकी गढ़ के रूप में आप देख पाएंगे कि वो ऊपर जो एक गढ़ बना हुआ है वो चौकी है, और वो तब से लेके आज तक संरक्षित है, 600 साल हो गए, और ये पूरा इलाका उन्होंने कब्जा कर लिया। जब साहिवाड़ को जीत करके बरवाड़ा वापिस आए तो शेखा जी महाराज का भव्य स्वागत किया गया। अपने दूसरे विजय अभियानों के बारे में वो सोचने लगे। उन्होंने चिंतन मंथन किया कि एक बगल में चलो इतने गांव तो जीत लिए, पर एक बगल के अंदर एक रियासत छोटी सी राजपूतों की ओर है, डाक राजपूतों की रियासत है, उन्होंने उसके बारे में भी सोचा। उनके दूसरे विजय अभियानों में उनकी सबसे पहले नजर पड़ी साहिवाड़ जीत के बाद में वो था टांक क्षेत्र। जब उन्होंने युद्ध नीति का प्लान बनाकर रणनीति बनाकर के टांक राजपूतों के ऊपर हमला किया। टांक क्षेत्र में जो है दो बड़े बड़े ठिकाने थे। टांक राजपूत बड़ी सूरवीरता के साथ लड़े। हालांकि युद्ध हुआ, लड़ाई बहुत भयंकर हुई, पर आसानी से उन्होंने पहले वाला ठिकाना जीत लिया, और आखिर में अंत में जीत शेखा जी महाराज की हुई, पर टांक राजपूत अपनी सूरवीरता से धड़ल्ले से लड़े। राव शेखा जी महान सूरवीर प्रतापी और युद्ध कौशल में अजय थे, उनकी वीरता का कोई सानी नहीं था। और इसका जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि उनके नाना जी राव लूणकर्ण जी महान योद्धा थे, वीर और प्रतापी थे, और उन्होंने जिस युद्ध कौशल से लड़ाइयों को जीता था वो ही युद्ध कौशल है राव शेखा जी ने अपने जो भी युद्ध हुए उनमें अपनाया था। किसी भी व्यक्ति के चरित्र निर्माण में या उसके जीवन निर्माण में उसकी माता का बहुत बड़ा हाथ होता है। बींग अ
डायरेक्टर बींग ज्योतिषाचार्य, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बली है तो आपको बड़ा भाग्यशाली माना जाता है कि आप जो है जीवन में बहुत कुछ कर लेंगे। चंद्रमा बली होने का मतलब है कि आप पे आपकी माता का प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो अलखा जी का महाराव शेखा जी पे क्या प्रभाव रहा होगा? महाराव शेखा जी के जो व्यक्तिगत गुण हैं वो उनकी माता जी के चरित्र को दर्शाते हैं। स्त्री सम्मान, धैर्य, वीरता, सामाजिक न्याय। माता जी जो हैं हर तरीके से गुणों का खजाना रही है उनके। उनके बारे में, रानियों के बारे में या स्त्रियों के बारे में बहुत कुछ लिखा नहीं जाता, लेकिन ये निश्चित है कि उनकी माताजी गुणों की खान रही हैं। ये उसी से महाराव शेखा जी का चरित्र दिखता है। बैराट विजय के पश्चात महाराव शेखा जी की नजर अभी नगरगढ़ की तरफ गई। तत्पश्चात उन्होंने अपना शिविर जो है किलन जी का एक नगरगढ़ करके आता था, ग्राम था वो, प्राचीन गांव था वो, महाभारत कालीन गांव था नगरगढ़। उस वक्त एक बहुत समृद्धशाली एक नगर था। नगरगढ़ का विषय बताने से पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा, एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा बैराट का। कर्नल लाथू सिंह जी की बुक के हिसाब से मैं बताऊँ तो बैराट क्षेत्र का महत्व जो है महाभारत काल से ही बहुत ज़्यादा था। उन्होंने अपनी पुस्तक में सविस्तार लिखा है। ये वही बैराट है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो महाभारतकालीन नगर है जहाँ के मत्स्य राज का एक राजधानी थी और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा इसी की राजकुमारी थी। तो आप समझिए पांडव उस वक्त के कितने बड़े साम्राज्य के अधिपति थे और कितने बड़े राजा थे। उनकी पुत्र वधू बैराट से थी तो बैराट का महत्व कितना रहा हो। बैराट क्षेत्र के विषय में मैं आपसे एक विशेष तौर से उसका परिचय देना चाहूँगा। महाभारत काल में एक बहुत विशेष महत्वपूर्ण एक राज्य था बैराट, उसकी राजधानी थी और ये मत्स्य प्रदेश था। ये मत्स्य प्रदेश में ही उन्होंने पांडवों ने 13वें अज्ञात वर्ष में उन्होंने वहाँ पर शरण ली थी और वहीं से इन्होंने अपना एक बाद में एक विजय अभियान भी कहें तो पांडवों का वहीं से शुरू होता है। इस वक्त मत्स्य राज्य या बैराट का क्षेत्र इस वक्त टांक राजाओं के अधिकार में था। टांक एक तक्षक की एक संतानें लिए हुए, ये भी प्राचीन एक क्षत्रिय शाखा है। उस वक्त टांक का क्षेत्र एक अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण था, शक्तिशाली राजा थे और चौहानों के साथ में इनके विशेष इनके संबंध भी थे। अब चूंकि बैराट चौहानों का ही इलाका था, साहिवाड विजय के पश्चात अब महाराव शेखा जी आ गए जो है अमृतसर, तो तब बसा नहीं था, बरवाड़ा में आ गए, वहाँ उनका उत्सव विजय उत्सव शुरू हुआ और कुछ समय पश्चात जो है उन्होंने निश्चित किया कि चलो क्यों ना इस अभियान को आगे की तरफ बढ़ाया जाए, क्योंकि आमेर से उनके संबंध दिन ब दिन खराब होते ही जा रहे थे। आमेर की कुछ टुकड़ियां जो है वो उनके इलाकों में आके उपद्रव करती रहती थी, ये उनको भगाते रहते थे छोटी मोटी झड़पें। तो उसको देखते हुए उन्होंने निर्णय लिया कि अपने साम्राज्य का और विस्तार किया जाए। अब किस तरफ जाया जाए, कहाँ जाया जाए, ये कोई निश्चित नहीं था, किसी को नहीं पता था। उनके नेतृत्व में सेना निकल पड़ी और उन्होंने अपना पहला पड़ाव जो है नगरचाल क्षेत्र नगरगढ़ राज्य के नज़दीक लगाया। तो क्या शेखा जी इनके ऊपर आक्रमण कर इनके अपने नीचे अधीन में लेते, ये कहा नहीं जा सकता इस वक्त। लेकिन उन्होंने
नगरचाल के क्षेत्र में अपना कैंप अवश्य लगा दिया था। उनका इरादा क्या था ये इस वक्त मैं आपसे कह नहीं सकता, परंतु शेखा जी एक विजय अभियान पर निकले हुए थे। वो एक के बाद एक राजाओं को फतेह करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हालांकि उन्होंने ये सोचा नहीं था कि नगरगढ़ पे आक्रमण किया जाए। किलण जी वृद्धावस्था में थे, वयोवर सैनिक भी थे, परंतु उनकी जो एक बौद्धिक सत्ता थी उसमें अपने भविष्य को देख सकते थे। तब किलण जी ने सोचा कि महाराव शेखा जी का कैंप उनके नज़दीक लगा हुआ था, उन्होंने सोचा मैं वयोवृद्ध भी हूँ, राव शेखा जी जवान भी हैं, मैं अगर युद्ध करता हूँ हार गया तो क्या होगा, अगर मैं युद्ध नहीं करता हूँ तो जनता क्या सोचेगी। और उनको बड़ी चिंता व्याप्त हुई कि क्या मुझे महाराव शेखा से युद्ध करना चाहिए, क्या मुझे उनसे संधि कर लेनी चाहिए, क्या मैं ये युद्ध कर पाऊंगा। और महाराव शेखा जी जैसा जो बलशाली वीरशाली वीर योद्धा रणबांकुरा, क्या मैं उसके सामने टिक पाऊंगा, क्या ये सही होगा कि मैं उनसे युद्ध करूं, क्या या फिर ये सही होगा कि मैं उनसे संधि करूं और हथियार मेरे डाल दूं, जिससे तो क्या मैं अगर अपने हथियार डाल दूंगा तो मुझे क्षत्रिय वंश क्या कहेगा। तो बहुत ही उहापोह की स्थिति पैदा हो गई उनके दिमाग में। इस कसमकस के बीच उन्होंने अपना दूत राव शेखा जी के पास भेजा। किलण जी का दूत जो है वो जो संदेशा लेके आया था, तो उस उनके संदेशे ने पूरे महाराव शेखा जी के शिविर में हलचल मचा दी और उन्होंने अपने काकाओं के साथ में विचार विमर्श किया। अब वो ऐसा क्या संदेश लेके आया था जिससे कि इतनी हलचल मच गई, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड। महादेव, मिल्कपुर है, यहाँ पर एक छोटा मंदिर हुआ करता था और उस मंदिर से के सामने एक छोटा एक छतरी नुमा एक स्थान था जहाँ पर साधु संत आते थे, विश्राम करते थे। तो वहाँ पर वो पूजा करने के लिए, रोज़ पूजा करने के लिए आया करती थी।